Hello students, I am Sachin Bindal from Hartron Skill Center behind SBI Main Branch near Jat College Hisar. Today आज का जो हमारा topic है PowerPoint के अंदर next step शुरू कर रहे हैं आज हम insert. Insert के अंदर आपका सबसे पहले क्या शुरू होता है tab. Table tag. Table के अंदर आप क्या कर सकते हो कि PowerPoint के अंदर आपको table insert करानी है. वैसे हम ये topic आपका MS Word में भी कर चुके हैं कि Word में भी आपका table ताकि 4 या 5 types से आप एक स्लाइड्स के अंदर आप अपनी टेबल को ऐड कर सकते हो. सेम एज ए पावर पॉइंट के अंदर है कि आपको टेबल बनानी है तो मैंने एक ब्लैंक स्लाइड्स लिया हुआ है स्टूडेंट स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने हेडिंग डाल दिया मान लो टेबल और सब टाइटल्स के अंदर मेरे को टेबल डालनी है तो आपको कितने रोज एंड कितने कॉलम्स की टेबल चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो तो आपकी डायरेक्ट टेबल आ जाएगी. अब इस टेबल के ऊपर मैंने नाम डाल दिया कॉलम्स के नेम डाल रहा हूँ मैं टेबल बनानी है तो स्टूडेंट नेम क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट्स एंड अटेंडेंस. तो आप यहाँ पे अलग अलग डाटा डाल सकते हो. अब आपको डाटा डालना है तो यहाँ पे डाटा डाल सकते हो स्टूडेंट्स का. ये आपका डाटा हो गया तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो अलग अलग. सब्जेक्ट्स डालने हैं स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स डाल दोगे सर सब्जेक्ट्स अलग अलग. ये होंगे आपके सब्जेक्ट्स. यहाँ पे आप उसकी प्रेजेंट के एब्सेंट मार्क कर सकते हो तो ये आपके बन जाते हैं कंप्लीट टेबल. जैसे ही आप एक स्लाइड्स के अंदर टेबल बनाते हो स्टूडेंट तो टेबल बनाते ही आपका क्या हो जाता है दो टूल्स एक्टिव हो जाते हैं सेम लाइक एमएस वर्ड. एमएस वर्ड में भी आपका क्या होता था जब भी आप एक टेबल को ड्रॉ करते हो तो टेबल ड्रॉ करते ही आपके दो टूल्स एक्टिव हो जाते हैं स्टूडेंट्स डिजाइन एंड लेआउट. तो हमारा वही टेबल टैग पड़ रहे हैं टेबल के दो टैग्स हैं हमारे डिजाइन एंड लेआउट. फर्स्ट वन हम बात करें डिजाइन की तो डिजाइन के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी हेडिंग्स बनाई है अपने टेबल के अंदर स्टूडेंट्स नेम क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट्स एंड अटेंडेंस. अब मैं चाहता हूँ कि या तो मैं इन हेडिंग्स को शो करूँ या फिर इन हेडिंग को शो ना करूँ या फिर मेरा डाटा है जो डाटा को अल्टरनेट कॉलम्स में वन बाय वन शेडिंग करके शो करूँ तो वो सारे फीचर्स हमारा प्रोवाइड कराता है बच्चों डिजाइन टैग. तो सबसे पहले हमारी हेडर रो है हेडर पे क्लिक करोगे तो आपकी हेडर वो देखो हाईलाइट हो रही थी जो वो आपका हट जाएगा क्लिक करोगे वापस से कलर से हाईलाइट हो जाएगी. फिर नीचे है टोटल रो आपकी जो लास्ट रो है वो उसको हाईलाइट कर देगा. बैंडेड रोज जो बीच का आपका एक छोड़ के एक जो कॉलम्स आ रहे थे या रोज आ रही थी उनको हटा देगा. फर्स्ट कॉलम तो आपका पूरा फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर देगा लास्ट कॉलम तो आपका पूरा लास्ट कॉलम हो जाएगा. बैंडेड कॉलम्स को अल्टरनेट कॉलम्स यानी एक छोड़ के एक सारों पे क्लिक करोगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं टेबल के स्टाइल्स ऑप्शंस के बारे में स्टूडेंट्स. टेबल के स्टाइल ऑप्शंस क्या हैं कि स्टाइल्स का मतलब आप अलग अलग कलर वाइज अलग अलग कॉलम सिलेक्ट करने हैं हेडर रो लेनी है फर्स्ट कॉलम लेना है लास्ट कॉलम लेना है बॉटम रो लेनी है या टोटल रो लेनी है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो सिलेक्शन कर सकते हो टेबल्स के अंदर. तो हमारा वही जो नेक्स्ट है टेबल स्टाइल. टेबल स्टाइल के अंदर आपको पहले डिफरेंट कलर्स अप्लाई करने हैं या आपको कौन सा कलर अप्लाई करना है यहाँ पे कलर्स. अब देखो नीचे टोटल रो जो थी आपकी डबल लाइन्स के साथ आ रही है. अब अगर मैं टोटल रो पे अनक्लिक करता हूँ तो वही रो आपकी नीचे एक्सटेंड हो जाएगी. टोटल रो वापस से देखो डबल अंडरलाइन के साथ आपकी शो कर रही है ये दैट इज अ डबल अंडरलाइन दैट इज टोटल रो. सेम एज इसी में फर्स्ट कॉलम हटा दो मैं लास्ट कॉलम हटा दो बैंडेड कॉलम सारे रोज को अनक्लिक कर देता हूँ तो आपका एक सिंपल फॉर्मेट हो जाएगा एज अ ब्लैंक वाइट जो हमारी पूज टेबल होती है सब कलर फीचर्स इसके हट जाएंगे. जैसे ही मैं वापस अनक्लिक करूँगा तो वन बाय वन सारे फीचर्स इस टेबल पर ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे वही है हमारा नेक्स्ट टेबल स्टाइल ऑप्शंस. जिस भी स्टाइल्स पर आप क्लिक करोगे वो स्टाइल्स आपके यहाँ पे ऐड होता जाएगा. नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं शेडिंग एरिया की. आपको वन बाय वन अकॉर्डिंग टू कॉलम एक एक कॉलम को अलग अलग कलर्स करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो स्टूडेंट. मैंने फर्स्ट डाटा का लिया तो डाटा में मैंने अलग किया देन सेकेंड लिया सेकेंड डाटा का अलग से कलर किया. तो आप अपने अकॉर्डिंग हर एक कॉलम्स को अलग अलग भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर किस कॉलम में ऐड करना है. ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक फॉर्मेट लेके चलना है आप अपने अकॉर्डिंग भी हर एक कॉलम्स की एंट्रीज़ को अलग अलग कलर दे सकते हो यहाँ पे शेडिंग के अंदर जाके. नेक्स्ट फिर आता है हमारा बॉर्डर कि आपको टेबल के ऊपर बॉर्डर को शो करना है तो ऑल बॉर्डर लगा सकते हो आप ऑल बॉर्डर शो करेगा. आउटर बॉर्डर तो ओनली आउटर बॉर्डर शो करे. यहाँ पर टॉप बॉर्डर तो टॉप के ऊपर शो करेगा बॉटम तो नीचे शो कर देगा. लेफ्ट बॉर्डर तो लेफ्ट साइड में राइट बॉर्डर है तो राइट साइड में. इसी तरह आपको जहाँ भी बॉर्डर को शो करना है देखो अब मैंने टॉप बॉटम राइट लेफ्ट और राइट को क्लिक नहीं किया तो स्टूडेंट जैसे ही हम दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका राइट एंड लेफ्ट काम कर जाएगा. बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर हट गया था लेफ्ट बॉर्डर लगा दिया मैंने राइट बॉर्डर लगाना है तो राइट बॉर्डर लगा दिया.
तो वन बाय वन आप जिस बॉर्डर पे क्लिक करोगे आपका वही बॉर्डर प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर स्टूडेंट इसी के अंदर हमारा डायगनल्स, किसी कॉलम के अंदर डायगनल्स बनाने हैं डायगनल्स बॉर्डर, तो डायगनल्स बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट फिर हम कर रहे हैं इफेक्ट कि एक डाटा टेबल जब आप पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करा रहे हो उस पावर पॉइंट के अंदर उस टेबल के ऊपर इफेक्ट कितने टाइप से लग सकते हैं, तो वो जो इफेक्ट है हमारे बच्चों वो है तीन टाइप के, सेल बी लेवल, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तीन टाइप से आप उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो। फर्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे सेल बी लेवल। सेल बी लेवल के अंदर आपका क्या है, जस्ट आप सिलेक्ट करते हो तो आपके टेबल के जो फॉर्मेट सेल्स होते हैं उनका रूप चेंज हो जाएगा, सेल बी लेवल अलग से उभर के दिखा देगा। नेक्स्ट सेकेंड इसी के अंदर शेडो, इन्हीं चीज़ की शेडो बनानी है या पूरी टेबल की शेडो बनानी है तो आपको उसी टेबल की शेडो, देखो ये आपके ऊपर टेबल है उस टेबल की शेडो नीचे आपको शो कर देगा। शेडो बनाने के बाद आपका है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन डालना है तो जस्ट आपकी एक रिफ्लेक्शन इमेज बना देगा, देखो विद कलर, जो कलर बॉक्स है उन कलर्स की भी आपको शेडो दिखाएगा। नेक्स्ट आता है फिर क्विक स्टाइल, आपने पूरी टेबल को फिर से सिलेक्ट किया और इसके ऊपर आपको क्या अप्लाई करना है, क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल का मतलब है आपने स्लाइड्स के ऊपर जितना भी टेक्स्ट राइट किया हुआ है टेबल के अंदर उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर रही हो, उस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहती हो। मान लो मैंने सिलेक्ट कर दिया आपके फर्स्ट हेडिंग रोल को और इनके अंदर अप्लाई कर दिया हेडिंग सेशन, तो मैंने रेड टाइप का हेडिंग सेशन अप्लाई किया तो सभी पे आपका हेडिंग रोल से हेडिंग सेशन अप्लाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्विकली चेंज कर सकते हो। फिर मैं सेकंड सब्जेक्ट वाले कॉलम में चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट वाले कॉलम में स्टाइलिंग चेंज होते हैं तो स्टाइल उसमें भी चेंज कर सकते हो। तो आपको टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है तो आप क्विक स्टाइल्स के अंदर जा करके इमीडिएटली उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट इसी के अंदर टेक्स्ट पे कलरिंग अप्लाई करने की। टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो आपको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग, मैं ले लिया मान लो रोल नंबर कॉलम, अब इसके अंदर कलरिंग में जाएंगे, कलर जिस कलर से आपको यूज़ करना है वो कलर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फिर इसके अंदर पिक्चर डालनी है तो पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो, वही हम सैम्पल पिक्चर्स के अंदर जाएंगे, फर्स्ट यहाँ से आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर जो हम टेक्स्ट राइट कर रहे थे उन टेक्स्ट के अंदर पिक्चर्स आ जाएगी। नेक्स्ट फिर मैं इसको अलग फॉर्मेटिंग करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, ग्रेडियंट या टेक्सचर डालना है तो आप उसके अंदर टेक्सचर डाल सकते हो, डिजिट्स के अंदर या टेक्स्ट के अंदर। अभी यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो इसी के अंदर सब्जेक्ट के अंदर आपको दोबारा से शेडिंग डालनी है या पिक्चर शो करानी है उनके अंदर, तो शेडिंग एरिया में जा करके आप ग्रेडियंट में जाओगे या टेक्सचर, तो टेक्सचर में जाओगे तो आपका वो टेक्सचर फील कर जाएगा आपके टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट फिर इसी तरह है ग्लो करना है, श्रिंक करना है, रोटेशन, ग्लो कराना है टेक्स्ट को तो आप पूरे टेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करोगे यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करने थे, ग्रो एंड श्रिंक पे जाके ग्लो पे जाओ, ग्लो के अंदर टेक्स्ट ग्लो, तो आप उस टेक्स्ट को ग्लो करा सकते हो। देखो हर एक बॉक्स में आपके टेक्स्ट के पीछे वो ग्लो कर रहा है, जिस कलर की शेडिंग बना रहा है दैट इज ग्लोइंग शेड, यानी कि वो टेक्स्ट आपने जो बनाया है वो ग्लो कर रहा है तो उसमें ग्लोइंग शेड डाल सकते हो। बच्चों पेन कलर्स यानी पेन कलर चेंज करनी है या पेन कलर की मोटाई चेंज करनी है तो मोटाई, अब आप मैं कह रहा हूँ सेकंड स्लाइड्स लेते हैं हम, और सेकंड स्लाइड्स या ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद हम इंसर्ट में वापस जाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या बना रहे थे, एक टेबल बना रहे थे पेंसिल से, तो आप उस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे स्टूडेंट, डिज़ाइन में जाएंगे, पेन कलर, पहले आपको पेन कलर चेंज करना है, मैंने पेन कलर चेंज किया और यहाँ से विड्थ लाइन विड्थ चेंज कर दी मैंने विड्थ, तो आप यहाँ पे अब जो टेबल बनाओगे वो उसी कलर में आएगी जिस कलर से आपने पेन को उठाया। दूसरा कलर चेंज करना है इसी के अंदर पेन कलर, फिर पेन कलर का कलर चेंज करेंगे, अब उसके टेबल से हम पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो टेबल खुद। यही है सेम पैटर्न हमारा वर्ड के अंदर भी था स्टूडेंट्स, कि हमें आपको खुद से टेबल ड्रॉ करनी है तो खुद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये है हमारा टेबल का पैटर्न, आपको कोई भी टेबल ड्रॉ करनी है, ड्रॉ टेबल, फिर से पेंसिल है, किसी नेक्स्ट स्लाइड पे जाके आपको पेंसिल से ड्रॉ करना हो लेकिन आपकी वही सेम स्लाइड्स होगी तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपकी टेबल नहीं बनेगी। नेक्स्ट है इरेजर, मान लो मैंने ये टेबल बनाई है स्टूडेंट्स, मैं इस टेबल को इरेज करना चाहता हूँ, इरेज का मतलब यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो वन बाय वन जितने कॉलम्स को आप सिलेक्ट करोगे उतने ही कॉलम आपके डिलीट होते जाएंगे। जिस कॉलम को सिलेक्ट करोगे उतने ही कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे जितना जितना पार्ट आप सिलेक्ट करोगे, ये है आपका इरेजर।
नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट टेबल के, दैट इज़ अ लेआउट। यह हम सेम आपके किसमें पढ़ चुके हैं, वर्ड के अंदर ही पढ़ चुके हैं। वर्ड के अंदर भी हमारा टेबल टैग था, टेबल के अंदर सेम लेआउट ऑप्शंस होते थे, सिलेक्ट, अबव, इंसर्ट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, सारा फीचर सेम चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो सके। तो उसके लिए हम फर्स्ट सबसे पहले जाते हैं व्यू ग्रिड लाइंस पे। ये आपको ग्रिड लाइंस दिखा रहे हैं यहाँ पे बच्चों, स्लाइड्स के बैकग्राउंड में। आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको शो भी कर, सिलेक्ट के अंदर जाओगे, सिलेक्ट टेबल, पूरी टेबल सिलेक्ट कर देगा। ये जो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हुई हुई है स्टूडेंट, ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट कॉलम, तो सिंगल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा कोई भी। सिलेक्ट रो, तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसी के बाद आता है यहाँ पे डिलीट। अगर आपको यहाँ इसी टेबल के अंदर से कोई एक सिंगल पार्ट को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, शो कराना है तो शो करा सकते हो। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिलीट कॉलम, तो यहाँ पे डिलीट कॉलम, सारे कॉलम्स, नेक्स्ट कॉलम डिलीट हो गया अटेंडेंस का क्योंकि सिलेक्ट था। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर डिलीट रो, कोई सिंगल रो डिलीट करनी हो, यहाँ से आपको जो सी रो सिलेक्ट करोगे एंड डिलीट रो, तो ये सिंगल रो डिलीट हो गई स्टूडेंट्स। इसी तरह इंसर्ट अबव, इसके ऊपर इंसर्ट कराना है या नीचे डालना है तो नीचे, इंसर्ट बिलो तो इंसर्ट बिलो डाल सकते हो, इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ इंसर्ट हो जाएगी टेबल, इंसर्ट राइट तो आप सेम टेबल को राइट के पोर्शन में डाल सकते हो। मर्ज सेल्स, सेल्स का मतलब आपको अब ये सारी सेल्स मर्ज करनी है। मैंने जितनी एरिया को सिलेक्ट किया यहाँ से आपको मर्ज सेल्स पे क्लिक किया तो आपके सेल्स क्या हो जाएंगे, सारे सेल्स मिलके एक हो जाएंगे। अब अगर इसमें देखा जाए तो कितने कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, कॉलम्स को काउंट करें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 कॉलम्स को मिलाकर के आपका क्या बना दिया बच्चों, एक सिंगल कॉलम, दैट इज मर्ज सेल्स। अब मैं कहता हूँ इसी टेबल को स्प्लिट करना है आपको दो पार्ट्स के अंदर, तो इस टेबल को तोड़ने के लिए हमारा है नेक्स्ट स्प्लिट सेल्स। पूछ रहा है 2x1, एक को दो में, मैंने कहा तीन में, देन ओके किया, तो ये आपके एक के ही तीन पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3 सिंगल कॉलम। जिस एरिया को सिलेक्ट करोगे फंक्शन का जो काम है वो उसी एरिया में दिखाएगा, उसके बाहर और ये आसपास में कहीं भी नहीं दिखाएगा। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी फंक्शन लगाओगे वो फंक्शन उसी सेल में परफॉर्म कराएगा। नेक्स्ट फिर है हाइट विड्थ बच्चों, इसकी हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ानी है तो आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, जितनी भी आपको हाइट या विड्थ बढ़ानी है तो ये विड्थ बढ़ जाएगी, हाइट एंड कॉलम विड्थ चेंज करनी हो। डिस्ट्रीब्यूट रोज, रोज को फिक्स करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, अब इसमें जब भी डाटा डलेगा आपका तो आपका फिक्स हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, कॉलम की हाइट फिक्स करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, अब वो कॉलम के अंदर चलेगा आपका जो डाटा है वर्टिकली, नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। देखो अब सारा डाटा कॉलम के अंदर चलेगा, वो विड्थ आपको फिक्स कर देगा। नेक्स्ट फिर इन्हीं का क्या है, अलाइनमेंट पोजीशन, टैक्स की अलाइनमेंट पोजीशन को सेट करने के लिए शिफ्ट और ए के साथ मैंने कंट्रोल किया, सेंटर करना है तो आप सेंटर कर सकते हो, राइट करना है राइट कर सकते हो, मिडल करना है बॉटम करना है, आप उस टैक्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो हर एक स्टेप्स के ऊपर। नेक्स्ट फिर मैं बात करूँ टैक्स डायरेक्शन की, रोटेट कराना है आपको 90 के ऊपर, 270 स्टैक, तो किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स में आपने जो डाटा डाला हुआ है वो आप उसको किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर सेल्स मार्जिन की बच्चों, सेल्स मार्जिन है नैरो करना है तो नैरो कर सकते हो, यहाँ से वाइड करना है तो वाइड कर सकते हो, वो उतने ही स्पेस क्रिएट कर देगा आपके टेबल के अंदर। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स में हाइट एंड विड्थ, वापस इस पूरी टेबल की हाइट को चेंज करना है या विड्थ को चेंज करना है तो विड्थ को चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं न्यू स्लाइड्स लेते हैं, इसी के अंदर इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट के अंदर होम के अंदर जाएंगे, होम के अंदर मैं जाता हूँ फिर से एक और न्यू स्लाइड्स, न्यू स्लाइड्स के अंदर हमें अब फंक्शन कौन सा परफॉर्म कराना था बच्चों इस टेबल के अंदर, शेप्स के ऊपर दो टूल्स जो हमारे अप्लाई होते हैं मुझे वो अप्लाई करनी है, ब्रिंग फ्रंट, सेंड टू बैक, तो वो ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। सेम आपका प्रिंट टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, जितना भी आपने काम किया उस सिलेक्शन पेन के ऊपर आपको शो करना है तो आप क्लिक करोगे, हाइड करना है तो आप उसको अनक्लिक कर दो। अब यहाँ पे मैंने टेबल 4 एंटर किया है, टेबल 3 एंटर किया है, सब टाइटल है टाइटल है, तो आपको जो जो काम हाइड करना है आप हाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स, जो आपको हाइड नहीं करना तो आप उसको वापस से शो भी कर सकते हो। इस टूल का मतलब ही ये है, सिलेक्शन पहले सिलेक्ट करो देन विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब क्या है, जो उनसे चीज़ आपको विजिबल दिखानी है तो आप दिखा सकते हो, हाइड करनी तो आप हाइड कर दो। नेक्स्ट फिर हम बात कर रहे थे इसी के अंदर स्टूडेंट्स अलाइनमेंट,
अलाइनमेंट हम बार बार कर चुके हैं पिक्चर्स के ऊपर कि पिक्चर्स वोर्टेक्स के बिटवीन लेफ्ट राइट टॉप मिडल डिस्ट्रीब्यूट करना हो, फिर देन ग्रुप आपका वही दो ऑब्जेक्ट्स को मिला करके ग्रुप बनाना हो, रोटेशन देन आपकी रोटेट करनी हो। नेक्स्ट हम वापस आते हैं टेबल के बाद स्टूडेंट पिक्चर बात कर रहे थे हम पिक्चर्स की, मैं सेकंड स्लाइड्स पे जा रहा हूँ। सेकंड स्लाइड्स के अंदर हम क्या इंसर्ट कराएंगे स्टूडेंट, एक पिक्चर। पहले इस स्लाइड्स को हम डिलीट कर देते हैं ब्लैंक स्लाइड्स को ताकि आपको दिखे। अब मैं सेकंड स्लाइड्स के ऊपर क्या डालना चाह रहा हूँ, एक पिक्चर। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया पिक्चर पे, देन इंसर्ट कराया, ये है हमारी पिक्चर। जैसे ही आप पिक्चर को इंसर्ट करते हो स्टूडेंट, पिक्चर का फिर से सेम आपका फॉर्मेट टूल एक्टिव हो जाता है, दैट इज सेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। ब्राइटनेस करना है तो आपको -40, -30, 20, 10, 0, 10%, 20%, सेम एज कॉन्ट्रास्ट 90, 40, 20। फिर रीकलर, पिक्चर का कलर चेंज, कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर को अप्लाइड पिक्चर, पिक्चर का साइज चेंज करना है आपको तो आप साइज चेंज कर सकते हो पिक्चर का, छोटा या बड़ा। नेक्स्ट फिर पिक्चर पे बॉर्डर अप्लाई करना है आपको किसी भी तरह का, तो आप आउटलाइनिंग, डबल आउटलाइनिंग, सिंगल बॉर्डर शेप चेंज करनी है, पिक्चर की शेप चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी, डबल आउटलाइनिंग में, थिन कलर्स में, सिंगल कलर में, आउटलाइन में, जैसे भी आपको यूज़ करना है, सिंगल कलर तो सिंगल कलर्स में, जैसे भी आप यूज़ करना चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। पिक्चर की शेप चेंज करनी है तो आप पिक्चर की शेप चेंज कर सकते हो स्टूडेंट्स। शेप पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप बॉर्डर लगा सकते हो स्टूडेंट्स, बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही पिक्चर के बॉर्डर पे आपको वेटेज या बॉर्डर पैटर्न चेंज करना है तो बॉर्डर पैटर्न चेंज कर सकते हो आप पिक्चर के बॉर्डर्स के अराउंड स्टूडेंट्स। फिर आपका वही रोटेशन है, आपको 90 पे रोटेट करनी है पिक्चर, लेफ्ट करनी है, वर्टिकल करनी है, आप किसी भी तरह पिक्चर को रोटेट करा सकते हो। हाइट एंड विड्थ बढ़ानी है पिक्चर की तो आप हाइट को हाइट के साथ बढ़ा सकते हो, एंड विड्थ है तो विड्थ के साथ बढ़ा सकते हो, जितने भी आपको बढ़ानी है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद क्लिप आर्ट। बच्चों क्लिप आर्ट के लिए मैं फिर से एक न्यू स्लाइड्स ले रहा हूँ। न्यू स्लाइड्स के अंदर आपका एक ऑप्शन बना होता है क्लिप आर्ट का ही, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या डाल रहे हैं, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है शो, यहाँ मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया क्लिप आर्ट गो, तो आपकी एक छोटी क्लिप आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के लिए ही आपका फिर से पिक्चर टूल फिर से दोबारा एक्टिव हो जाता है स्टूडेंट, दैट इज सेम लाइक एज अ पिक्चर। वही कंट्रास्ट लगाने हैं आपको, कंट्रास्ट के कलर एडजस्ट करने हैं आपको पिक्चर पे, क्लिप आर्ट पे बॉर्डर लगाना है आपको किसी भी तरह का, बॉर्डर पैटर्न चेंज करना है, उसके अलाइनमेंट या रोटेशन चेंज करनी है, ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुपिंग बनाने के लिए आप फिर से वही क्लिप आर्ट के अंदर दोबारा फिर से चले जाओ। बस क्लिप ग्रुपिंग बनाने के लिए आपके दो ऑब्जेक्ट्स पे बताया था स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो क्लिप आर्ट के भी फिर से हाइट एंड विड्थ अप्लाई करनी है तो हाइट एंड विड्थ। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर फोटो एल्बम। फोटो एल्बम का मतलब है आपको एक न्यू एल्बम क्रिएट करनी हो। एल्बम हमारी क्या होती है, लाइक अब घर में कोई फंक्शंस होता है, कोई मैरिज होती है, तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होते हैं, ओल्ड रिलेटिव्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, ऑफिस फ्रेंड्स, सभी को मिला करके क्या बनाया जाता है, आपके पास एक 100 या 200 पिक्चर्स का एक एल्बम बनाया जाता है। तो सेम एज आप यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स के साथ साथ अपनी एक एल्बम क्रिएट करना चाहते हो, अपनी स्लाइड्स को अरेंज करके एक अच्छे वे प्रॉपर वे में अरेंज करना, तो उसके लिए हमारे पास होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे फोटो एल्बम। न्यू फोटो एल्बम पे जाओगे, यहाँ से फाइल एंड डिस्क अपनी खुद की बनानी है, फाइल एंड डिस्क पे जाओ, पहले फर्स्ट एल्बम बनानी है, फर्स्ट सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे इसको सेट करने के लिए क्रिएट, तो फोटो एल्बम क्रिएट हो रही है फर्स्ट हो गए। देन फिर से न्यू फोटो एल्बम, सेकेंड पे जाएंगे, फिर से फाइल उठानी है, मैंने फाइल उठाई, इंसर्ट। अब लेकिन यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नंबर चेंज नहीं हो पा रहा है, नंबर को चेंज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे फाइल एंड डिस्क है तो फर्स्ट है तो ये तो फर्स्ट को चेंज कर देगा, लेकिन आपको तो आगे न्यू चलानी है। न्यू चलाने के लिए यहाँ से क्या करोगे, फर्स्ट या सेकंड पे जाओगे या टेक्स्ट बॉक्स टू, टेक्स्ट बॉक्स टू की जगह आप क्या डाल सकते हो, इंसर्ट टू को, टेक्स्ट बॉक्स थ्री डालना है, फोर डालना है, जितने भी डालने हैं यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखो आपका क्रिएट हो गए, पिक्चर चेंज होगी। अब थ्री पे मैंने सिलेक्ट किया न्यू फोटो एल्बम, नेक्स्ट थ्री पे करेंगे फाइल एंड डिस्क, तो थ्री पे पिक्चर्स डाल सकते हो आप कोई भी, ये आपकी थर्ड पिक्चर हो जाएगी इसी के अंदर। तो आपको जितनी आपके एल्बम क्रिएट करनी है आप एल्बम क्रिएट कर सकते हो इसी तरह अपने पिक्चर्स की एल्बम को रीअरेंज करने के लिए। फर्स्ट पे गौरव पे दिखा रहा है, थर्ड पे नहीं दिखा रहा, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो, शो करना है तो शो कर सकते हो। क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके देखो फर्स्ट फोटो एल्बम, और यहाँ पे आउटलाइन के अंदर देखो फोटो एल्बम बाय हार्ट्रॉन वो नाम आ जाएगा। तो आप अपनी खुद की एल्बम बना सकते हो, एडिट करना है उस एल्बम को एडिट कर सकते हो, क्या आपको डिलीट करनी हो तो डिलीट करना है, रब करना है, न्यू ऐड करनी है न्यू ऐड कर सकते हो, अपडेट करना है तो इसको अपडेट कर सकते हो।
यहाँ से आपकी पिक्चर हटा करके आपको इसके अंदर एल्बम को अपडेट कराना चाहो तो आप एल्बम को अपडेट भी करा सकते हो बच्चों। तो स्टूडेंट यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, जो इंसर्ट हमारा फोटो एल्बम पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू इसके लेक्चर में कल करेंगे शेप से। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।